सर, आपके पिछले जो क्लिप्स आ रहे हैं, वीडियोस आपकी शेयर हो रही हैं यूट्यूब पर, उसको काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया है और उस पर काफ़ी लोगों के सवालात भी हैं। सर, कुछ सवालात मैं आपसे जिक्र करता चलता हूँ। तो सर, पहला सवाल तो इसमें यहाँ पर यह आ रहा है कि इस्लाम 360 पे हम लोग तर्जुमा पढ़ रहे हैं, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, तर्जुमा पढ़ रहे हैं, तो 3018 आपने हवाला गलत दिया है, और जो 3018 आपने जो तर्जुमा भी जो बताया है वो भी गलत है, 360 के अंदर कुछ और है, इसके बारे में बता दें। हाँ बेटा, ये अक्सर मुझे बताया हमारे स्टूडेंट्स ने कि उस पे ऊँट के पेशाब वाली में जो मैंने हवाला दिया 3018 का, कह रहे हैं उसके अंदर भी पेशाब का जिक्र है। बेटा बिल्कुल नहीं है। अरबी मतन पढ़ें, अरबी का किसी से भी ट्रांसलेशन करवा लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ जो मुतरजमीन है नॉर्मली यहाँ तर्जुमा करते हुए गलती कर देते हैं, इसलिए कि उन्होंने यही मजमून पढ़ा हुआ है जहनों में, गलती कर देते हैं। इसलिए कि आप दोबारा अरबी मतन देखिएगा, मैं आपको बयान कर देता हूँ। जब वो लोग आए और उन्होंने जिक्र किया आप गिना रिसला, हमें दूध चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा आजीदुलकुम इल्ला अन तलहकु बिज़ूद, कि हमें तुम्हारे लिए दूध अवेलेबल या नहीं है, आप लोग फला जगह चले जाओ, वहाँ दूध है। फिर आगे जिक्र है फ़न तलकु फशरिबू मिन अबवालिहा वलबानिया, वो लोग चले गए, फिर उन्होंने आज खुद वहाँ जाकर दूध और पेशाब को पिया। ये अरबी एग्जैक्ट है जिसका तर्जुमा मैंने किया, आप किसी भी करवा लीजिएगा शुरू से उलमा, इसलिए तो इस मतन को कबूल नहीं करते हैं। तो मेरे से अलहमदिल्ला यहाँ गलती नहीं हुई है, वैसे जहाँ मुझसे गलती होगी इंशाल्लाह आप बिल्कुल पाएंगे कि सबसे पहले आकर मैं ही तौबा कर रहा हूँ, रुजू कर रहा हूँ, लेकिन इस मकाम के ऊपर अल्लाह के फजल से गलती नहीं हुई है, हवाला बिल्कुल ठीक है। सर, अगला सवाल यह है कि गारे हिरा वाला जो आपने बयान किया, इब्तिदाए वही का जो सिलसिला बुखारी की जो रिवायत नंबर 2 और 3, तो सर इसमें सवाल यह है कि 1400 साल बाद आप ही को पता चला ये, और 1400 साल से किसी को ये बात नहीं पता। नहीं, 1400 साल से किसको नहीं पता? आपने हमने हमारे यहाँ मुताला भी तो नहीं किया जाता ना। देखें, हर चीज़ का एक स्टडी किया जाता है। आप किसी भी हदीस को पढ़ें, इसके ऊपर बड़े बड़े उलमा ने शुरुआत लिखी हैं, आप पढ़ें, शुरू से ही उलमा इतराज़ात करते आए हैं। मैंने तो इसमें एक रेफरेंस भी दिया था, हमारे यहाँ ज़्यादा किताबें अवेलेबल नहीं है, इब्ने हजर तो अवेलेबल है, आप उसी को पढ़ लें, उन्होंने ही जिन जिन कलिमात के ऊपर एतराज़ है इतने ज़बरदस्त इतराज़ात बयान किए हैं, उलमा ने क्या क्या तावीलें की हैं, बातों को घुमाया है, वो सारा मैंने जिक्र किया है। हमारे यहाँ नॉर्मली स्टडी किया नहीं जाता। देखें, हमारे यहाँ जज्बाती लोग हैं, मिसाल के तौर पर पता चल गया ये हदीस सही है, वो टर्म्स ही नहीं समझते। देखो, टर्मिनोलॉजी है हर फन की, फन हदीस की टर्म्स हैं। फन हदीस के अंदर किसी को कहा जाता है ना, ये सही सनद की एक रिवायत है, इसका ये उर्दू वाला सही नहीं होता, ये एक टर्म है कि जिसके अंदर उसको सही बोला जाता है। अभी रावियों में हमें को गड़बड़ नहीं लगी, लेकिन मुमकिन है आगे गड़बड़ लगे। वरना देखिएगा फन हदीस की इस्तिलाहत देखें, बहुत सी हदीस है जिसे कहा जाता है सहीहुल इस्नाद मुनकरुल मतन, यानी सनद में हदीस सही, मतन में मुनकर, मतन में ऐब, मतन में फलां, मतन में तारुज, मतन में इस्तराब, ये 50 ऐब होते हैं जो मतन के अंदर गिने जाते हैं, देखे जाते हैं। तो ये तो टर्म्स हैं, हमारे यहाँ समझे सही रिवायत सही सनत की होती है बात, हर सही सनत की बात, वो आगे जो मतन है वो ठीक हो ज़रूरी नहीं होता, इसमें बहुत से बहुत तहकीक है, पढ़ना चाहिए। सर, अगला सवाल यह है कि बुखारी के अंदर इतनी जो आप मुनकर रिवायात वगैरह बयान कर रहे हैं, गलत इसमें मजमून है, तो ये निकाल क्यों नहीं देते इसमें से? एक तो ये सवाल है, दूसरा सवाल एक ये है कि जो आप मतन चेक करो, मतन चेक करो बयान कर रहे हैं बार बार, कुरान से चेक करो, दूसरी अहादीस से चेक करो, तो ये किसने कहा है? ये किसी मुसन्निफ़ ने नहीं कहा, ये किस हदीस में नहीं आया, ये किसी सियासतदान की हदीस में नहीं है कि ये हाँ देखिए, बाकी बेटा अगर स्टडी किया हुआ ही नहीं है तो उसको तो हम नहीं समझा पाएंगे। पहले मुताला, हर आलिम दीन ने इस चीज़ को लाजिम करार दिया है कि हदीस सनद और सही सनद में भी होती है, वतन में भी होती है। आप फन हदीस कहीं पर भी जाके मुताला करें, फन हदीस की कोई भी किताब उठा करके आप पढ़ लीजिएगा, ये बहस होती है कि बस सनद भी देखी जाएगी, मतन भी देखा जाता है, मतन में 50 तरीके से इल्लतें ढूंढी जाती हैं, उसके बाद जा करके किसी हदीस को यूँ कहा जाता है कि अपनी सेहत सनद और मतन के हिसाब से हदीस बिल्कुल ओके हो जाती है। ये तो एक फ़न है शुरू से उलमा करते हुए आए। देखिएगा इमाम बुखारी खुद हदीस लेकर आए हैं, हदीस देखिएगा, आप कह रहे हैं ना कि मतन पर ऑब्जेक्शन, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन कुरान से ही होता है। इमाम बुखारी एक हदीस लेकर आए हैं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के सामने एक तलाक का कोई मसला आया था, तो आपने हुक्म दिया ये इद्दत गुजारे शोहर के घर वगैरह वगैरह, कुरान का ही हुक्म है। एक खातून खड़ी हुई, फातिमा उनका नाम था, उस खातून ने कहा कि आपने जो फैसला दिया गलत दिया है, मेरे अपने घर का केस था, मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास हाज़िरी दी थी, हमने केस डिस्कस किया था, तलाक दे दी थी मेरे शोहर ने, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे शोहर के घर इद्दत गुजारने का नहीं कहा था, अपने घर इद्दत गुजारने का कहा था। उमर फारूक, आपने तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ फैसला दिया। ये बात सामने एक खातून ने की, वहाँ चेन भी नहीं थी, देखिएगा रावियों की 200 साल बाद की चेन नहीं थी, बराह रास्त एक सहाबी अल्लाह का नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम लेकर जिक्र कर रही हैं, कोई बीच में चेन नहीं। उसके बावजूद उमर फारूक ने क्या कहा? कहा कि ए औरत, मैं तेरी अकेले की बात की वजह से अल्लाह का कलाम बदल नहीं सकता। यही बात उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पास लोग लेके चले गए कि फातिमा नामी खातून ने इस तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम लेके जिक्र किया है। उमर फारूक ने कहा कि यार कुरान के खिलाफ हम आपकी बात ही नहीं, यानी आपकी इस हदीस को चूंकि कुरान के खिलाफ है हम नहीं मान सकते। तो आयशा सिद्दीका ने भी जिक्र किया, ये भी इमाम बुखारी लाए हैं,
आयशा सिका ने कहा फातिमा को गलती लग रही होगी, अल्लाह का कलाम ठीक है, फातिमा को गलती लग रही होगी। तो ये उसूल भी हमारे नुसूसात से ही निकले हुए हैं कि कोई रिवायत कुरान के ख़िलाफ़ नज़र आती है, कुरान के सराहतन ख़िलाफ़ दूर, कुरान से इशारतन भी ख़िलाफ़ हो, उस रिवायत को भी कबूल नहीं किया जाता। इसके अलावा दीगर उसके तुर्क को देखकर पता चलता है उसमें इस्तेराब तो नहीं है, तारुस तो नहीं है, 50 दीगर चीज़ें देखी जाती हैं, वरना तो रिवायात में बिल्कुल कुफ्र तक आ गया। ये तमाम चीज़ें उलमा जिक्र कर चुके हैं। एक चीज़ मैं इजाफा कर दूँ, किसी भी एक हदीस को मैंने आज तक अपने ताई बातिल नहीं बोला कि मैं बोलूँ इस हदीस की सनद ठीक है और मतन ख़राब है। मेरे पास सबके रेफरेंस होते हैं, हर एक हदीस जिसके मतन पे ऑब्जेक्शन है उलमा करके जा चुके हैं बेटा, उन्हीं को मैं कोट कर रहा होता हूँ। हमारे यहाँ बदकिस्मती से मतन की एक्सपर्टीज़ लोगों में नहीं है, लिहाजा कोई भी नई बात मैं नहीं करता। अल्लाह के फजल से मुझे खौफ है, अल्लाह का खौफ है कि मैं डरूँ कि मैं किसी हदीस को अपनी तरफ से बोलूँ, कैसे बोल सकता हूँ, मेरे पास रेफरेंसेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक सवाल और एक एतराज़ है आप पे कि आप रिपीट बहुत करते हैं। रिपीट करना इसलिए, देखें एक तो यह है डायरेक्टली कैमरे को फेस करके कोई बात की जाए तो उसके अंदर रिपीटिशन कम होती है, लेकिन अगर क्लास में स्टूडेंट्स हैं आप उनको पढ़ा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली रिपीटिशन होती है। इसलिए कि बच्चे जब आते हैं ना, शहर से बच्चे आते हैं, को किसी इलाके से आ रहा है, को किसी इलाके से आ रहा है, तो ये बच्चों के जो चेहरे हैं वो भी बता रहे होते हैं कि बास चेहरे ऐसे हैं कि उनको एक ही दफ़ा बताएं, इशारा भी समझाएं तो समझ जाते हैं, बास बच्चों को इशारे समझ में नहीं आ रहे होते, उनके चेहरे बता देते हैं कि रिपीट करना पड़ता है। बाय द वे ज़हन में रखिएगा, रिपीट करना अगर ऐब है तो अल्लाह कुरान में एक ही दफ़ा तौहीद बयान कर देते हैं, पूरा कुरान बार बार तौहीद से भरा हुआ है, क्यों रिपीट कर रहे हैं अल्लाह ताला बार बार? एक जगह तौहीद का बयान, दूसरी जगह भी तौहीद का बयान, तीसरी जगह भी तौहीद का बयान, एक जगह भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्या, दूसरी जगह भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्या, तीसरी जगह भी वाक्या। रिपीटिशन फ़ायदा भी देती है, लेकिन हमारे यहाँ आम तौर पर लोग चूँकि वो टिकटॉकर मिजाज है ना लोगों का, वो शॉर्ट्स देखने वाला, बस जल्दी जल्दी देखते जाएँ, तो शायद मैं उनके मेयार के मुताबिक नहीं पूरा उतर पाऊँगा, रिपीटिशन हो जाती है। लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ जिस वक्त बताई थी कि ऐसे कॉमेंट्स काफ़ी आए हैं कि आप रिपीटिशन बहुत होती है आपके लेक्चर में, तो मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि रिपीटेशन कम से कम हो इंशाल्लाह। और जिन भाइयों ने ये इस्लाह की है मेरी, अल्लाह ताला उन सबको अजर दे, और अगर फिर भी जुमला कभी रिपीट हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, एक आदत है लेक्चर देने की उसी में। सर बहुत से सवाल ये आते हैं कि आपका फ़िरका कौन सा है, मसलक कौन सा है, फ़िका कौन सी है, ये इसका जवाब। मसलक कौन सा है, फ़िरका कौन सा है, मैं रियली आपको बताऊँ ये सवाल ही मुझे मनहूस सवाल लगता है, और मैं लोगों को भी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, आप किसी से भी पूछ के देख लें कोई भी जवाब आपको नहीं देगा, फ़िरका क्या है, चुप हो जाते हैं। देखिएगा फ़िरका वारियत अगर ख़त्म करने का आपको शौक़ है ना, उसके लिए अमली कदम भी उठाने पड़ते हैं, और अमली कदम के लिए पहला अमली कदम ये है, नहीं मुँह से आपने कुछ भी ऐसी बात करनी कि जिसे लगे कि ये अलग एक सेक्ट है, एक अलग फ़िरका है, एक अलग टुकड़ा है, नहीं मुँह से ऐसी बात निकालें। आपको अगर किसी फ़िरके के नज़रियात आपको अच्छे भी लगते हैं, मुँह से कभी ना निकालें। आपसे कोई भी पूछे आप किस फ़िरके से हैं, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। अब कदमी अमली कदम तो उठाएं, देखिए हम अमली कदम ही नहीं उठाते। मुझसे लाख पूछा था, मैं नहीं आंसर करता इस सवाल का, भाई आप किस फिरके से हैं, खामोश, मैं इस का जवाब नहीं देता। हाँ ये ज़रूर है मेरे जितने स्टूडेंट्स होंगे आप देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह उनके सामने अहले हदीस आलिम दीन आए, उनके सामने देवबंद के उलमा है, उनके सामने बरेली के उलमा है, सबकी इज्जत करते हैं, सबके पास अल्लाह के नबी की वरासत है इल्म, सबकी इज्जत करते हैं, सबका एहतराम करते हैं। जिसमें इख्तलाफ नज़र आता है वो सारा अपना गुस्सा दलील पर निकालते हैं, मैंने यही तरबियत दी हुई है लोगों को, दलील पे गुस्सा निकालो, इस्तदलाल इतना मजबूत करो कि सामने वाला मानने पर मजबूर हो जाए, लेकिन बुरा भला नहीं कहो, तू गलत, तू फलाना, तू फलाना। ये जो कल्चर है हमारे यहाँ, देखिएगा मैं बार बार लोगों को समझा रहा होता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी सहाबा की कोई भी किसी भी तरह की मिस्टेक सामने आई सख्त रवैया नहीं रखा। मैं इसकी कई मिसालें दे सकता हूँ, लेक्चर ये चीज़ लंबी ना हो जाए सवाल का जवाब, मुख्तसरन समझाता हूँ। बाद सहाबा से मुनाफिकाना अमल भी साबित हो गया, जैसे हातिब वाली रिवायत है, यहाँ की मुखबरी जो है ना कुफार को पहुँचा रहे थे, मुनाफिकीन यही तो काम कर रहे थे, इस पर सहाबा इकराम गुस्से में भी आ गए, कहा कि मुनाफिक हम इसे मार देंगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, हमारे साथ वाला है, हमने जंगे बदर में शरीक हुआ था, हमने इनके बारे में बहुत फजीलतें बयान की हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने सख्त रवैया रख के फ़िरका वारियत पैदा नहीं की। एक और चीज़ आपको मैं जिक्र कर दूँ, कुरान पाक जिक्र करता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त तशरीफ़ ले गए थे कुछ टाइम के लिए, पीछे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे और पीछे कौम ने सामरी के कहने के ऊपर बछड़ा बनाकर उनकी इबादत शुरू कर दी, कौम इतनी ख़राब हो गई कि शिर्क में मुब्तला हो गई थी, बछड़े की इबादत करने लग गए थे। इसके बावजूद कुरान जिक्र करता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त वापस आए, हारून अलैहिस्सलाम को डांटा कि आपने इनको क्यों नहीं रोका कि ये मुसलमान ईमान वाले थे, शिर्क में फंस गए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का जवाब कुरान पाक में आप पढ़ लीजिएगा, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने क्या जिक्र किया था, कहा कि हमने सख्ती इसलिए नहीं की थी, फर्रकता बैना बनी इसराइल, फिर आप आके हमें कहते हैं कि आप तो फिरके बना के बैठ गए, और फिरका एक दफ़ा पैदा हो जाता दिलों में ऐसी नफरत होती है, अब हक भी कबूल नहीं करता सामने वाला। यानी आसान अल्फाज में सुने, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने
ईमान वाले शिर्क में भी मुब्तला हो गए हैं, लेकिन ऐसी सख्ती नहीं की उनके ऊपर कि फिरके में बढ़ जाए। फिरके में बटेगा तो इस्लाह कभी नहीं करेगा अपनी। हमें तो कुरान पाक ने अलग दर्स दिया है। लिहाजा जिसके पास अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वरासत का हिस्सा है, वो किसी मसलक से आलिम दीन है, सबकी इज्जत। मेरे से बच्चे अक्सर आके सवालात भी करते हैं कि सर तारिक मसूद साहब हैं, इज्जत एहतराम, नाम भी इज्जत एहतराम के साथ लें, इवन के दीगर मसालिक के उलमा अहले हदीस के उलमा सब का इज्जत एहतराम पैदा करें। आपको इख्तलाफ है अपनी दलील पे जोर दो, अपना गुस्सा दलील पे निकालो, बात इतनी मजबूत करो, इस्तेदलाल इतना मजबूत बयान करो, बस मैं ये कह सकता। ये सवाल ही अच्छा नहीं है बेटा, इसका जवाब कभी आपको मुझसे नहीं मिलेगा। हाँ ये समझ लो मुझे देवबंदी भी बोलो, वाबी भी बोलो, अहले हदीस भी, जो मर्जी बोलो, लेकिन ये जवाब मेरे मुँह से कभी आपको नहीं मिलेगा। अगला सवाल है या एतराज़ है, आप बहुत जो है एक्शन भी बहुत मारते हैं और खुद पसंदी का शिकार लगते हैं। बेटा खुद पसंदी का शिकार इसलिए कि देखिए थोड़ा लेक्चर हो रहा है ना, अब वो हमारा माशाल्लाह पढ़ाने का सिलसिला बहुत पुराना है, बहुत साल हो गए। तो जब स्कूल कॉलेज में मैं पढ़ता था उस वक्त भी मैं पढ़ाता था, तो लाइक थोड़ा सा कोचिंग स्टाइल ही है। तो अब बच्चे भी आते हैं, काफ़ी अर्सा से मैं लेक्चर दे रहा हूँ, शुरू से मेरा एक अंदाज़ है, ज़ाहिर है किसी को पसंद आता है किसी को पसंद नहीं आता। हर एक चीज़ हर एक को एक जैसी नहीं होती है, लाइक करेंगे बाज़ लोग, डिसलाइक करेंगे, कोई मसला है। लेकिन ये लोग आए, बच्चे आए होते हैं, तीन तीन चार चार घंटे मेरे पास बैठते हैं पढ़ते हैं, तो इनके साथ थोड़ी सी एक तबीयत ऐसी करनी पड़ती है कि निशात पैदा रहे। कभी बोर हो जाते हैं और कभी वो इस्तदलाल 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 सुन सुन के तबीयत ऐसी हो जाती है, तो थोड़ा सा इनको कभी मजाक में बोल दिया, लाओ मैं आपको करामत दिखाता हूँ, ये सब मजाक होता है। आप भी बॉडी लैंग्वेज से ही समझें मजाक ही हो रहा होता है, लेकिन बच्चों को एक चीज़ एक नुकता समझाना मकसूद होता है। वो मजाक में मैं समझा दूँ, वो सीरियसली मैं समझा दूँ, मकसद मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझ जाते हैं, मुझे उम्मीद है, ऐसा लगता है बच्चे जो भी जो मुझे रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। तो ये खुद पसंदी की बात नहीं है, और अगर खुद पसंदी का आंसर आपको लगे भी तो माफ़ कर दीजिएगा, इंसान हो, खता हो जाती है, हो गई होगी खत्म उससे, आइंदा भी शायद होती हो। तो ये ज़रूर है कि थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि अंदाज़ अजीब सा हो रहा है, तो थोड़ी सी मुझे भी स्पेस दे दें, इंसान हूँ मैं और कोई, तो ये चलता है, छोटी छोटी चीज़ें चलती हैं, इसे बुरा ना माना करें। आपने साहिल अदीम, जावेद अहमद गामदी साहब और इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के बारे में तबसरा बयान किया था, कुछ आपके कमेंट्स थे, अभी आपने एक नई तस्वीर लगाई है अपने थंबनेल के ऊपर डॉक्टर जाकिर नायक साहब की, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? ये बेटा एक तो थंबनेल मैं नहीं बनाता, जाहिर है हमारे जो काम करते हैं वो बनाते थे। दूसरा अभी डॉक्टर जाकिर नायक उससे माशाल्लाह कोई इल्मी शख्सियत भी हैं, काम जितना किया, कोई नेगेटिव कमेंट मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने अभी आपको बताया कि मेरे सामने यकीन करें तारिक मसूद साहब आएंगे, मैं उनके भी आ चूमूंगा, मेरे सामने राशिद रजवी साहब आ जाए, मैं उनके भी आ चूमूंगा। मैं दिल में किसी के लिए नफरत ऐसी नहीं रखता हूँ। जहाँ किसी का नुक्ता नज़र गलत होगा इस्तेदलाल से बात करूँगा, मैं दलील में जोर लगा, मेरा सारा गुस्सा उस दलील के ऊपर होगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि मेरे लहजे के अंदर आप कभी ये नहीं देखेंगे फ़लाँ आलिम का नाम लेके वो गलत है, वो गुमराह है, वो फलाना है, मैं कौन हूँ किसी को डिग्रियाँ जारी करने वाला। अल्लाह यहकुमु बैनहुम, अल्लाह बरोज़े क़यामत फैसला करेंगे, फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफून, जिसमें लोग इख्तलाफात कर रहे हैं उसमें कौन हक़ पर है, ये फैसला अल्लाह ने करना है, ये फैसला हमारे इख्तियार में नहीं है। मैं किसी को डिग्रियाँ जारी नहीं करता, सबकी इज्जत सबका एहतराम, मेरा गुस्सा सारा निकलेगा दलील पर, मैं किस ज़ातों पर गुस्सा नहीं मेरा निकाल, मैं कोशिश करता हूँ अपनी दलील को जो भी ले जाओ, जो भी अंदाज़ है मेरा अच्छा है बुरा है, उस पर जोर दूँ, उस पर फोकस करूँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। वो जिसको समझ में आएगी वो दुआएं देगा, नहीं समझ में आएगी मैं कोशिश करूँगा और अंदाज़ अच्छा करूँ, जिसको नहीं आई उसको भी समझ में आए। तो सारे बड़े मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जो जितने उलमा हैं, आप यकीन करें आप एक बाग के अंदर इंटर हो जाए ना, यहाँ एक गुलाब का फूल है, यहाँ पर एक फुलाब फूल है, यहाँ पर अलग अलग फूल, हर की खुर की खुशबू अलग, लेकिन उन अलग फूलों से ही बाग बनता है। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम के जितने उलमा हैं सारे इस बाग के फूल हैं, कोई गुलाब का है किसी में ज़्यादा खुशबू है किसी में कम खुशबू है, अरे इस फूल के अंदर लगा कांटा भी फजूल नहीं है, वो भी फ़ायदा रखता है। अगर किसी आलिम को आप कांटा नुमा भी समझ लें वो भी फ़ायदा देता है। ये बाग की रौनकें हैं, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम के चमन की रौनकें। अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मा, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तो हमने नौ लोगों को मैं नज़रिया पे सबसे बुरी उम्मत है, ये सबसे घटिया उम्मत है, सबसे बेहतरीन उम्मत है। और उम्मत उलमा से ही होती है, उलमा अच्छे नहीं तो कौन अच्छा? हम सिर्फ गलतियों को पकड़ते हैं, भाई गलती देख उसने गलती की, हर एक से गलती होती है भाई दुनिया में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद कौन है जिसे गलती ना हो? सच ना, इमाम बुखारी को इसकी गलतियों के ऊपर लोगों ने नहीं बिदत ही बोला, काफिर बोला, तो उसके क्या मैं अल्लाह की बारगाह में बुखारी को काफिर बोलता फिर हूँ? अपने लहजों में नरमी लेके आए और सबका इज्जत सबके एहतराम। डॉक्टर जाकिर नायक माशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने के ऊपर काम कर रहे हैं, और जिसका मतलब उशरे अशीर भी हमारे यहाँ और कोई नज़र नहीं आता। सर बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिए, कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो हम अभी तो डिस्कस नहीं कर सकेंगे, फिर अगले सेशन में इंशाल्लाह करते हैं।